अकबर ओवैसी ऐसा जबरदस्त सपेरा है कि जब बीन बजाता है तो बड़े बड़े सांप निकल के आते हैं और उन सब सांप को काबू में रखना आता। अरे ये जो चाहे बोलता है। अरे बाबा हमको काम लेना आता है, सबसे काम लेते हैं हम, कोई भी रहने दो। असेंबली में आप देखे नहीं, हम जब उठ के खड़े हो गए तो अदब वो एहतराम लाजमी है, क्योंकि सरकार का खिताब है। कोई भी बच्चा बदतमीजी नहीं कर सकता। अरे ये मेरी ताकत नहीं है मेरे भाई, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी कुर्बानी की ताकत है, आपके भरोसे की ताकत है, आपकी आन है, आपकी बान है, आपकी शान है। अरे समझ रहे हैं कि अल्लाह ने इनको ही जबान दी है, भूलो नहीं। हम भी अलख में जबान रखते हैं, जब बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिश नुवाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो और होंगे, वो और होंगे जो गूंगे हैं। अरे ये हैदराबाद है, गूंगों को भी बोलना सिखाने वालों के शहर का नाम हैदराबाद मजलिस है। हर कोई डर रहा है, नहीं डर रहा है तो ये हैदराबाद और ये मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स, यही तो तकलीफ है ना इनको। मुसलमान के दिल में खौफ, मुसलमान के दिल में डर पैदा किया। हाँ वो अलग बात है, हम नहीं डरते, यही तो तकलीफ है ना। हर कोई डर रहा है लेकिन ये नहीं डर रहा है। अरे दीवानों, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। अरे हम जेल में भी रहे तो डरे नहीं, घबराए नहीं। अभी भी अगर जेल जाना है तो बराबर जाएंगे। अरे तीन तीन गोलियां लगे नहीं मरे, अभी अब चाय वालों से डरेंगे। मौत, हयात, इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत सब अल्लाह के हाथ। अरे बहुत आए बहुत गए, ये भी आए थे ये भी जाएंगे। हम जहां थे हम वहीं रहेंगे, कोई हमको हमारे मुकाम से हटा नहीं सकता।